हम लोग को पता चल गया हमारा स्किन टाइप क्या है, अब हमारा स्किन केयर का जर्नी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है दिमाग पे वो है सीरम्स। यस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है सीरम को लेके, कौन से टाइप स्किन को कौन सा टाइप का सीरम लगाना है, कैसे लगाना है, कितना क्वांटिटी में लगाना है, एवरीथिंग आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सांझ, और मैं हूँ सांझ। आप सबको मेरा चैनल पे बहुत बड़ा सा वेलकम। जो लोग आज ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो उसके पास में बेल है उसको टैप डाउन ज़रूर करिएगा ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था स्किन टाइप कितने होते हैं, उसको कैसे पता करना है और उसके अनुसार हमारा जो क्लेंजर कैसा होगा, कौन से स्किन टाइप वाले लोग किस टाइप के क्लेंजर यूज़ करेंगे, कितना टाइम यूज़ करेंगे, उनका फेस वॉश कैसा होगा, मॉइस्चराइज़र कैसा होगा, टोनर एसेंशियल है कि नहीं, हर चीज़ मेरा लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे डाल दूंगी, आप लोग जाके मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाला देख सकते हैं, इसके बाद आके मेरा ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग टोटली बात करेंगे सीरम्स को लेके कि सीरम्स क्या है। सबसे पहले पता करते हैं कि सीरम क्या है। सीरम इस तरीके से बनता है कि जब हम उसको हमारा स्किन पे जब अप्लाई करते हैं तब वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है, डायरेक्टली एकदम स्किन के जो हमारा जो पोर्स है उसके अंदर डायरेक्टली वो पेनिट्रेट करता है। मॉइस्चराइजर क्रीम वो ऊपर में स्किन के ऊपर में एक लेयर की तरह रहते हैं एंड बहुत धीरे धीरे माइल्ड वे से पेनिट्रेट करते हैं, पर सीरम का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा होता है, वो डायरेक्टली हमारा पोर्स के अंदर से जाके उसका जो काम है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सीरम्स राइट, जो सीरम का जो काम है उसको डायरेक्टली पोर्स के अंदर जाके वो एक्टिवली वो काम पे लग जाता है, इसीलिए सीरम लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे सीरम्स वीडियो इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ kinds or types of serums are there. There are lots of types of serums. पर जो basic जो type है वो है 3. First one exfoliating. Exfoliating serum का मतलब होता है जो serum हमारा जो skin के ऊपर का जो layer होता है, जो dead skin का परत होता है ना, उसको remove करने में जो serum help करता है उसको कहते हैं exfoliating serum, मतलब exfoliate करता है, उतार देता है जो dead skin है उसको। वो serum हम लोग daily नहीं लगाते हैं, weekly once और maximum twice, एक से दो बार, इससे ज्यादा हफ्ते में उसको लगाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरम है वो है हाइड्रेटिंग सीरम, जो हमारा स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं हाइड्रेटिंग सीरम, उसका काम होता है हाइड्रेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है ब्राइटनिंग सीरम, हम सबको पसंद है ब्राइटनिंग सीरम, जो कि हमारा जो स्किन का जो टोन है उसको लाइटन एंड ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करता है ब्राइटनिंग सीरम। देन है एक्ने पिंपल वाले सीरम, जो एक्ने पिंपल जो होते हैं उनको श्रिंक करने में, ख़त्म करने में, वो सबको कंट्रोल करने में, वेल जो फेस के अंदर जो वेल है, वेल ग्लैंड है उसको कंट्रोल करके एक्ने को कंट्रोल करने में जो सीरम काम आता है वो है और एक टाइप के सीरम। नेक्स्ट है स्पॉट्स वाले सीरम, जो फेस पे जो स्पॉट्स हो जाते हैं उनको जो फेड करने में, रिमूव करने में जो सीरम काम करते हैं उनको बोलते हैं डार्क स्पॉट्स रिमूवल सीरम। एंड देन और एक टाइप भी है टेनिंग सीरम, जो हमारा फेस पे जो टैन पड़ जाता है उसको रिमूव करने में जो हेल्प करता है वो है डिटेनिंग सीरम। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग सीरम, यस, जो हमारा एज को कंट्रोल करने में जो सीरम का बहुत बड़ा हाथ है उसको कहते हैं एंटी एजिंग सीरम। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं बोलती रहूँगी ख़त्म ही नहीं होगा। तो चलिए मैं स्किन टाइप के अनुसार, जो स्किन टाइप के लोग जिस टाइप का सीरम यूज करना है वो हम लोग शुरू करते हैं। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन टाइप। सबसे पहले
ड्राई स्किन, ड्राई स्किन इज माय फेवरेट क्योंकि मेरा खुद का ड्राई स्किन है, इसीलिए ड्राई स्किन। ड्राई स्किन वाले लोग का जो स्किन होता है, हम लोगों को पता चला प्रीवियस वीडियो में कि वो बहुत ड्राई होता है, एकदम स्ट्रेची स्ट्रेची रहता है, हाइड्रेशन की कमी होता है उसमें। उस टाइप के स्किन के लिए कौन सा सीरम चाहिए? हाइड्रेशन वाला सीरम, यस। उसको ऐसा सीरम देना है जिसमें बहुत सारा हाइड्रेशन हो, एज फॉर एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड सीरम, सेरामाइड बेस्ड सीरम, ग्लिसरीन बेस्ड सीरम, एलोवेरा बेस्ड सीरम, ये सब चीज़ जो होता है ना, मिल्क बेस्ड सीरम जिसमें बहुत सारा हाइड्रेशन हो, बहुत सारा मॉइस्चर हो, वैसे टाइप का सीरम, स्क्वालिन वाला सीरम, स्नेल म्यूसिन, वो सब टाइप का जो चीज है, वैसा टाइप का सीरम जो है ड्राई स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयली एंड वेली एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग। आप लोग का मेन कंसर्न है स्किन का एक्ने को रिमूव करना, एक्ने को नहीं होने देना, और जो वेल है, जो एक्सेस वेल है, उसको कंट्रोल करना। तो आपका जो सीरम होगा सैलिसिलिक एसिड सीरम, सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा रहता है ऑयली एंड वेली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए, सो सैलिसिलिक एसिड। देन एजिलिक एसिड, एजिलिक एसिड भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है एक्ने को और वेल को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है नायसिनामाइड, नायसिनामाइड बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और स्किन पे एक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में हमारा जो यहाँ पे पोर्स होते हैं ना, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उसको ब्लर करने में, पोर्स को श्रिंक करने में नायसिनामाइड बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सो ये सब सीरम वेली एंड वेली एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किन टाइप है सेंसिटिव स्किन, अगेन आप लोग जिसमें लेवल देख के जरूर खरीदिएगा, जिसमें जो कामिंग चीज है, जो सूदिंग चीज है, आप लेवल में सूदिंग एंड कामिंग स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल ऐसा लिखा हुआ जिसमें है, वो सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन लोग आप ब्लेस्ड है, आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि आपका स्किन है नॉर्मल। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा स्किन टाइप के लिए कौन सा सीरम हमें चाहिए। अब मैं सीरम्स को लेके कुछ और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। सीरम्स आर फार मोर पावरफुल देन द मॉइस्चराइजर्स, इसीलिए उनका जो काम करने का टाइमिंग होता है, जो उनका रिजल्ट होता है, वो भी फटाफट होता है कंपेरेटिवली टू मॉइस्चराइजर्स। इसीलिए सीरम को जब भी हम स्किन पे लगाएंगे उसको हमेशा कवर करके रखना पड़ेगा। मतलब आप अगर जो एम वाला रूटीन है उसमें जो जो सीरम आप लगाएंगे उसको ऑलवेज कवर विद SPF सनस्क्रीन, ठीक है। नाइट को आप जब सीरम यूज करेंगे आपको ऑलवेज इसको नाइट मॉइस्चराइजर या कोई भी बेसिक मॉइस्चराइजर से आपको कवर करना है। कहने का मतलब ये है सीरम को कभी भी लगाने के बाद ओपन खाली खुला नहीं छोड़ना है। सुबह के टाइम SPF से सनस्क्रीन से कवर करिए, रात को मॉइस्चराइजर से कवर करिए, ओके। अब सीरम्स का कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज ये है दे वर्क मोर बेटर मोर इफेक्टिवली देन द मॉइस्चराइजर, एंड हमको टारगेटेड चीज के लिए भी सीरम चाहिए तो वो हम स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा सीरम चाहिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो हम ये सीरम यूज करेंगे, तो ये डायरेक्टली जो काम के लिए यूज कर रहे थे वो काम हमारा क्योर हो जाएगा। ये है प्रोज, सीरम्स का प्रोज है। अब कॉन्स ये है, सीरम का लगाने का एक क्वांटिटी एंड टाइमिंग होता है, कुछ होता है प्रिकॉशंस, कुछ सीरम ऐसे होते जो ओनली एंड ओनली नाइट को ही आफ्टर सनसेट ही लगाना है, डे के टाइम हम लोग उसको नहीं लगा सकते। अगर हमने उसको डे के टाइम लगा लिया तो ये उल्टा रिएक्शन करेगा, स्किन को जला भी सकता है। अगर हम सीरम को, कुछ ऐसे सीरम है उसको लगाने के बाद नेक्स्ट डे, इनफैक्ट ऑल द सीरम, सब कुछ भी सीरम लगाओ, नेक्स्ट डे आपको सनस्क्रीन जरूर 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 से यूज करना है। सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो वो सीरम हमारा स्किन पे उल्टा इफेक्ट कर सकता है। और एक कौन से सीरम को एक क्वांटिटी में लगाना है, जितना जो ड्रॉप्स जरूरी है जो सीरम के लिए उतना ही लगाना है, एक्सेस नहीं लगाना है। हम लोग को सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अब जैसे ब्राइटनिंग सीरम है, हम लोग को लगेगा नहीं थोड़ा सा और डाल देती हूँ तो ज्यादा गोरी हो जाऊंगी, नो, वो थोड़ा सा ज्यादा के चक्कर में ना स्किन को जला भी सकता है। जितना क्वांटिटी जो सीरम में
बोला हुआ है, बताया हुआ है, उतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाने से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्वांटिटी सही रखिए, डेली लगाइए, सनस्क्रीन यूज़ करिए, मॉइस्चराइजर यूज़ करिए, डेफिनेटली आपको बहुत जल्द सीरम का रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब आप स्किन केयर तो शुरू कर दिए, हम लोग को स्किन टाइप भी पता चल गया, अब हम लोग एक साथ में सब नहीं खरीदेंगे, ये भी ये भी ये भी, नो, एक एक करके खरीदेंगे, माइल्ड से लेके स्ट्रॉन्ग तक हम लोग धीरे धीरे खरीदेंगे। मतलब सबसे पहले जो सबसे माइल्ड चीज़ है उसको हम लोग खरीदेंगे। जैसे सीरम में सबसे माइल्ड होता है हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनमाइड, दिस थिंग्स आर वेरी माइल्ड, अल्फा आर्बुटिन वेरी माइल्ड, ये सब सीरम से आप शुरू कर सकते हैं। उसको 1 वीक लगाइए, 10 डेज लगाइए, इसके बाद दूसरा सीरम खरीदिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, आपको कभी भी सीरम को आपका जब स्किन का या स्किन में आपका अगर स्किन का बैरियर खराब हुआ हुआ है, बैरियर कैसे खराब होता है मैं बताती हूँ जिसमें, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, पहले मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। हमारा स्किन में अगर हम लोग उल्टा फुल्टा कुछ लगा लिए, या फिर हम गलत तरीके से स्किन केयर किए, या फिर जो स्किन टाइप के चीज जो मतलब जो प्रोडक्ट जो स्किन टाइप को सूट नहीं करता है वो सब हम लोग लगा लिए, तब हमारा स्किन का बैरियर खराब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा खराब रहेगा, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगे। स्किन बैरियर खराब हो तब हम लोग को कोई भी सीरम नहीं लगाना है, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। आप मेरा तो ऐसा भी होता है ना, मेरा जब स्किन बैरियर खराब होता है तब मैं हाइलुरोनिक एसिड भी नहीं लगा सकती, इतना ज़्यादा मतलब जलन होता है। तब आपको क्या लगाना है, स्किन के बैरियर को तो सही करना पड़ेगा, उस तब आपको एक बैरियर रिपेयर क्रीम ज़रूर से यूज़ करना पड़ेगा। सुबह शाम नॉर्मल सा माइल्ड फेस वॉश है, नॉर्मल एक माइल्ड जो सुबह वाला फेस वॉश, एंड देन सुबह सनस्क्रीन, एंड रात को बैरियर रिपेयर क्रीम आपको ज़रूर लगाना है, कम से कम जब तक स्किन आपका सही नहीं हो जाए, उस टाइम पे आपको सीरम्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबका मन में रहता है कि हमको रिजल्ट कब मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है इन द सेंस आपका स्किन टाइप क्या है, स्किन का इश्यूज़ क्या है, कितना बड़ा इशू के लिए आप सीरम यूज़ कर रहे हैं। इशू छोटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इशू बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी किसी का स्किन हीलिंग पावर ज़्यादा होता है तो वो लोग के स्किन पे रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आ जाता है, किसी किसी का स्किन पे टाइम लेता है रिजल्ट दिखाने में। अब फिर ये डिपेंड करता है कि आप रूटीन को फॉलो कर रहे कि नहीं, हर चीज़ सही तरीके से लगा रहे कि नहीं, इसके ऊपर भी आपका रिजल्ट है वो टाइम लेके शो करेगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स के लिए अल्फा आर्बुटिन, ट्रानेक्सामिक एसिड, नियासिनमाइड, विटामिन सी, लिकोरिश रूट, पॉजिक एसिड, दीज आर द नेम्स ऑफ द सीरम्स टू बी यूज फॉर ब्राइटनिंग द स्किन। एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स, रेटिनॉइड्स, रेटिनाहाइड, ट्रेटिनॉइन, सेरामाइड्स, ये सब होता है एंटी एजिंग के सीरम्स। हाइड्रेटिंग सीरम में हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स, विटामिन ई, दीज आर हाइड्रेटिंग सीरम्स। एक्सफोलिएटिंग सीरम, एक्सफोलिएटिंग सीरम में कैटेगरीज होता है, कैसे, जो लोग का स्किन वॉयली है, ऑयली, एक्ने प्रोन है, वो लोग यूज़ करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, वैसा टाइप का। नेक्स्ट है ड्राई स्किन, ड्राई या फिर नॉर्मल टू ड्राई जिनके स्किन है वो लोग यूज़ करेंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड जिनका स्किन है सेंसिटिव वो लोग लगाएंगे मैंडेलिक एसिड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हम कौन सा सीरम दिन के कौन से समय लगाए। अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग
सीरम को लगाना है, हर समय हर चीज नहीं लगा सकते। सबसे पहले बात करेंगे जो सीरम हम बोथ द टाइम मतलब एम पी एम दोनों में से कोई भी एक टाइम पे हम लोग लगा सकते हैं, मतलब दोनों टाइम नहीं पर दोनों में से कोई भी एक टाइम हम लोग लगा सकते हैं। एएम में भी लगा सकते हैं, पीएम में भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन में भी लगा सकते हैं, नाइट रूटीन में भी लगा सकते हैं। और वो सब सीरम्स हैं नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन एंड ऑल द हाइड्रेटिंग सीरम्स। मतलब नियासिनामाइड को आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, डे में भी एंड नाइट में भी। अल्फा आर्बुटिन को भी आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, डे में भी और नाइट में भी। एंड ऑल द हाइड्रेटिंग सीरम्स, जितनी भी हाइड्रेटिंग सीरम्स है, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, ऑल द सीरम्स को आप डे नाइट दोनों टाइम ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी, विटामिन सी, विटामिन सी को कुछ लोग सुबह भी यूज करते हैं, नाइट पे भी यूज करते हैं, पर विटामिन सी को इफ यू यूज इट इन द मॉर्निंग रूटीन, आप अगर विटामिन सी को आपके जो एम रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, तब आप यूज करेंगे, तब विटामिन सी ज्यादा असर करेगा, बिकॉज विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, उसका काम होता है डार्क पोल्यूशन, सन रेज, यूवी रेज से हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करना एंड स्किन को एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करके ग्लोइंग स्किन बनाना, जो कि नियासिनामाइड भी करता है। इसीलिए विटामिन सी भी दोनों टाइम लगा सकते हैं, पर मॉर्निंग रूटीन में विटामिन सी को रखने से ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो विटामिन सी को आप लोग एएम टाइम पे लगाइए, मतलब मॉर्निंग के स्किन केयर के रूटीन में। अब बात करेंगे पीएम रूटीन के बारे में, पीएम में कौन सा सीरम आपको लगाना है, मतलब आपका जो इवनिंग स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन, उस पे आप लोग कौन सा सीरम लगाएंगे। आपका जितना भी एंटी एजिंग सीरम्स है, लाइक रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स, जितने भी एक्सफोलिएटिंग सीरम्स है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, जितने भी एक्ने फाइटिंग सीरम्स है, सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड, एंड जितने भी ब्राइटनिंग सीरम्स है, जितने भी ब्राइटनिंग सीरम्स है, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ये सब कुछ आपको नाइट पे ही लगाना है। जितना आप इनको रात पे लगाएंगे, ब्राइटनिंग वाले जो सीरम से ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब रात को लगा के जब आप मॉइस्चराइजर का कवर करेंगे ना, स्किन बहुत अच्छे से उसको ले पाएगा, मतलब अच्छी तरीके से आपका स्किन को अंदर से वो चीज़ काम करेगा, क्योंकि रात को हमारा स्किन रेस्ट मोड पे होता है। पर आपका जो एंटी एजिंग वाले सीरम से, एक्सफोलिएटिंग सीरम से एंड जो एक्ने फाइटिंग सीरम से, उसको आपको किसी भी हालत में दिन में नहीं लगाना है, सुबह के टाइम पे नहीं लगाना है, आपको उसको रात को ही लगाना है, आफ्टर सनसेट, इवनिंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे आपको लगाना है, मतलब सनसेट जब हो जाए इसके बाद, आफ्टर 7 PM, आफ्टर 8 PM आप कभी भी उसको लगा सकते हैं। सबसे अच्छा होता है सोने से एक दो घंटा पहले आप अपना नाइट स्किन केयर करिए एंड देन गो टू स्लीप। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज मस्ट, SPF इज मस्ट। SPF 50 के नीचे कभी भी यूज नहीं करना है, मतलब 50 प्लस 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 जितना भी प्लस हो आपको SPF लगाना ही पड़ेगा। सनस्क्रीन आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्लाउडी डे हो, रेनी डे हो, विंटर हो, समर में तो मस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ द स्किन केयर, नेवर एवर स्किप योर सनस्क्रीन। ओके, तो अब बाकी रह गया सीरम के बाद आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर मेरा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, आपका स्किन टाइप के अनुसार हर चीज़ बताऊंगी। और जिनको अपना खुद का कस्टमाइज स्किन केयर चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा में DM कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक सांच पे भी मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, या फिर कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत जल्दी आप लोग के साथ मिलती हूँ। चल, टेक केयर, बाय बाय।